दोस्तों कॉटन स्वाब के आविष्कार का नाम लियो जस्टिन जैंग बताया जाता है। लियो जस्टिन जैंग पोलैंड के रहने वाले थे जिन्होंने 1920 के दशक में पहला कॉटन स्वाब बनाया था। इसके आविष्कार का ख्याल एक छोटी घटना से जुड़ा है। दरअसल माना जाता है कि एक बार लियो ने अपनी पत्नी को तिली पर रुई लपेटकर बच्चे का कान साफ करते देखा था। यह दृश्य देखकर ही उन्हें कॉटन स्वाब बनाने का ख्याल आया था। इसके बाद इन्होंने बेबी गाइज नाम से कॉटन स्वाब को एक उत्पाद के रूप में बनाया। उन्होंने अपनी एक कंपनी भी बना ली थी जिसका नाम था लियो जस्टिन जैंग इन्फेंट नोवेल्टी कंपनी। 1926 तक इसे बेबी गाइज कहा गया और बाद में इसका नाम क्यू टिप्स कर दिया गया था। वही 1948 तक इसकी मांग काफी बढ़ गई थी जिसके बाद इसका बड़े स्तर पर निर्माण किया गया था। इसके बाद 1950 के दशक में ये मेकअप की दुनिया में प्रवेश कर गया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा और वर्तमान में ये एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में जाना जाता है। घर से लेकर अस्पतालों व मेडिकल लैब तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। घर में इसका इस्तेमाल अमूमन कान साफ करने और महिलाएं मेकअप के वक्त करती हैं। वैसे बता दें कि कॉटन स्वाब से कान साफ करना बहुत ही हानिकारक होता है। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।